देखिए वो जो शायर ने कहा है, आज क्यों जलील के कल तक न थी पसंद, गुस्ताखी फरिश्ता हमारी जनाब में, आज क्यों जलील हो गए। रहमतें हैं तेरी अग्यार के काशानों पर, बर्फ गिरती है तो बेचारे मुसलमानों पर क्यों, ये ज़ुर्बत अलैहिम ज़िल्लत वल मस्कना हम पर क्यों है। आज पूरी दुनिया में आप सोचिए 150 करोड़ मुसलमान है, इज्जत नाम की कोई शय किसी मुसलमान मुल्क के लिए नहीं है। आलमी मामलात G7 तय करेंगे, G9 तय करेंगे, G15 तय करेंगे, परमानेंट मेंबर्स ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल तय करेंगे। हम न G7 में, न G9 में, न G15 में, न परमानेंट मेंबर्स ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, हम न 3 में न 13 में। हमारे वसाइल ज़राए पर उनका कब्जा है, सारा तेल आज उनके कदमों तले है, पंजे गाड़ कर बैठे हुए हैं वो खलीज के अंदर। सऊदी अरब जो है शिकंजे में आया हुआ है। हमारी तो पॉलिसी है आकर वर्ल्ड बैंक का आदमी बनाता है, यहां आकर जो IMF के लोग हैं वो डिक्टेट करते हैं, बिजली का बिल यूं बढ़ाओ, फला का ये करो, फला का वो करो, पेट्रोल की कीमत बढ़ाओ, रुपए की कीमत कम करो, करते हैं कि नहीं करते। ये जिल्लत, ये रुसवाई क्यों है, क्यों हमारी दुआएं अल्लाह नहीं सुनता। 20-20, 30-30 लाख आदमी हज करके आते हैं, क्या दुआएं नहीं मांगते इस उम्मत के लिए? अल्लाह क्यों दुआएं मांग हमारे मुंह पर फेंक रहा है? अल्लाह कहता है दिखाओ तो सही तुमने किसी मुल्क में हमारे दीन को कायम किया, तुम मानते हो इसे अल्लाह का कलाम तो कायम करो ना, मानते हो ये शरीयत अल्लाह की है तो उसे नाफिज करो ना, अगर तुम नहीं करते तो फिर हमसे दुआएं मत करो, तुम्हारी दुआएं तुम्हारे मुंह पर देकर मारेंगे। ये है हमारी जिल्लत का रास, जब तक हम ये नहीं करेंगे। लिहाजा सिर्फ कुरान के पढ़ने पढ़ाने का मामला, अंजुमन खुद्दामुल कुरान, दावत रुजुल कुरान, कुरान एकेडमी, कुरान कॉलेज, ये तो उसके लिए है, दौरे तर्जुमा कुरान, कुरानी तरबियत गाहें, 1 ईयर कोर्स कुरान का, रुजुल कुरान कोर्स, ये तो है सब पढ़ने पढ़ाने के लिए। कुरान के तंजीम इस्लामी है फिर उस लोगों के लिए जो कुरान अपने अंदर उतार लें और फिर खड़े हो जाएं, कमर कस लें, अज़्म मुसम्मम कर लें, इन्ना सलाती व नुसुकी व महया व ममाती लिल्लाह रब्बिल आलमीन, अपनी जात पर अपने घर में अल्लाह का दीन नाफिज कर लें और फिर किसी एक शख्स से बैत करें कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम जो भी हुक्म दोगे हम मानेंगे, गर्दनें कटवाने के लिए तैयार हो जाएंगे। 2 लाख 4 लाख 5 लाख आदमी 15 करोड़ की कौम में निकल सकते हैं कि नहीं? अगर निकलेंगे तो यहां दीन कायम होगा, वरना नहीं होगा।